अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमल बकर एंड यू आर वाचिंग ऑटोमोटिव काजल बाइक्स। तो जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा क्रूजर खड़ा है जो कि नए मॉडल V8 है, ZX मॉडल। तो आपको यहां पे बहुत से ऐसे क्रूजर मिल जाएंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं सबसे ट्रेंडिंग पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन रिव्यू। पूरा शोरूम आपको विजिट करवाएंगे, वन बाय वन आपको सारी कार्स का जो इंट्रो देंगे और ये वॉक अराउंड होगा हर कार का। आप अगर इनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसका पूरा ब्लॉग भी मिल जाएगा। अगर आप लेंगे तो आपको उस स्पेसिफिक कार की वीडियो भी बना के देंगे, जो उसे आपको पसंद आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। उसके लिए अगर आप किसी कार की प्राइसेस वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आप उनसे इंस्टा भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा सबसे ट्रेडिंग पाकिस्तान का, जो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे जो डिस्क्रिप्शन में। तो आइए आपका टाइम जाए कि अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप ये वीडियो जरूर इन्जॉय करेंगे। तो अभी तक किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी तो फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले जो कार है ये जी ऑडी की A5 ब्लैक कलर में 2018 का मॉडल है। तो आपको दिखाते हैं जल्दी से इसमें कार में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको जो हैंडल बार्स हैं ये आपको हाफ बॉडी कलर में मिल जाते हैं और हाफ आपको क्रोम में मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको इसमें जो अलॉय रिम्स हैं ये भी ब्लैक कलर में मिलते हैं, कार के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ है इसमें। इंटीरियर भी आपको कार का दिखा देते हैं। तो आपको कार में जो डोर्स मिलते हैं वो आपको फ्रेमलेस इसमें डोर्स मिलते हैं। आपको बेज इंटीरियर मिल जाता है चॉकलेट ब्राउन और आपको ब्लैक कलर में इसका टोटली इंटीरियर मिल जाता है। और अगर आप इस कार की और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनको इंस्टा पे फॉलो करें और इनसे और इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी जो प्राइसेस वगैरह वो पूछ सकते हैं। तो आपको कार जो बैक साइड से भी एक दफ़ा दिखा देते हैं। तो ये कार की बैक प्रोफाइल है A5। इसका जो एडिशन है ये 30TFSI इसका एडिशन है। उसके अलावा कार टोटली जो इसकी आपको शीट वगैरह भी मिल जाएगी जो इम्पोर्ट की है इन्होंने। उसके अलावा पीछे आ जाती है जी टोयोटा की विट्स, ये आप देख सकते हैं, जो कि बेस्ट फैमिली कार है, छोटी मोटी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी कार है। तो आपको ये भी दिखा देते हैं। तो इसमें आपको क्रोम हैंडल बार्स मिल जाते हैं। इसका इंटीरियर भी आपको दिखा देते हैं। तो इंटीरियर इसका पूरा ब्लैक है, आपको इसमें फैब्रिक की सीट्स मिल जाती हैं और बकाया आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट जो इसका पुश स्टार्ट है। और बड़े मज़े की कार है, ये हाइब्रिड कार है और इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इस कार को भी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इंस्टा पर जाके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उससे आगे आ जाती है हमारे पास जी V8, जो कि ZX मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन जो लैंड क्रूजर का मॉडल होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये लैंड क्रूजर V8 आ जाती है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट जो ग्रिल है वो फुल क्रोम मिलती है, बॉडी किट्स आपको इसमें मिल जाती है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और आपको ये कार का जो इंटीरियर वो भी दिखा देते हैं। और उसके अलावा आपको कार के एक्सटीरियर में अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, ये फुट स्टेप्स मिल जाते हैं जो कि कार की लुक्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। डोर्स के नीचे भी आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, हैंडल बार्स हैं जो फुल क्रोम है। उसके अलावा जो इंटीरियर है इसका आपको फुल ब्लैक लेदर में इंटीरियर मिलता है। और अगर आप इसकी पूरी वीडियो भी देखने चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक पूरे शोरूम का इंट्रोडक्शन रिव्यू है। तो अगर मैं आपको हर कार की डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके अलावा बैक प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। अब लिए चलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो ये भी लैंड क्रूजर V8 है पर ये ओल्ड शेप है। तो आपको इसका भी जल्दी जल्दी जो दिखा देते हैं इसमें आपको क्या क्या चेंजेस हैं। तो आप इसकी लाइट्स में डिफरेंस देख सकते हैं, ये लाइट्स और उस लाइट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। इसके लॉ रिम्स में आपको डिफरेंस नज़र आएगा और इसकी थोड़ी बहुत आपको शेप में मेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। इसकी जो पार्ट्स हैं जैसे लाइट्स होगी, इसके रिम्स हो गए, आपको उसमें ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपको ये लैंड क्रूजर V8 ZX मॉडल मिल जाता है। तो आपको इसमें सनरूफ मिल जाता है ZX मॉडल में। उसके अलावा हाइट कंट्रोल वगैरह मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिल जाती है और जो इसके हैंडल बार्स हैं ये आपको सिंपल मिलते हैं, बॉडी कलर में नहीं मिलते। अंदर से आपको कार दिखा जाते हैं। तो अंदर से आप देख सकते हैं कार का जो इंटीरियर है उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको लग रहा होगा, खुला खुला लग रहा होगा, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है ये आपको स्किन कलर में मिलता है। तो स्किन कलर की वजह से काफ़ी ज़्यादा कार जो खुली खुली लगती है। और जो इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स हैं एडजस्टेबल, बैक से भी आपको दिखा देते हैं, कार काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। इसमें आपको सिल्वर कलर के अलॉय रिम्स मिलेंगे और उसमें आपको टू टोन कलर के अलॉय रिम्स मिल जाएंगे। और बॉडी किट वगैरह आप देख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कार है वो भी एक लैंड क्रूजर V8 है और सेम यही आपको मॉडल मिलता है। तो आपको इसकी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो आप इंस्टा भी जाके सनशाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान के नाम से आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप जाके इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें जो मेन चेंज है आप देख सकते हैं, इसमें क्रोम हैंडल बार्स हैं, इसमें सिंपल हैं, अलॉय रिम्स दोनों के सेम हैं। उसके अलावा फुट स्टेप्स आप देख सकते हैं, ये क्रोम की गार्निशिंग। इंटीरियर आपको दिखा देते हैं एक बार। तो इंटीरियर भी दोनों का एग्जैक्टली सेम है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप जाके इंस्टा पे इनसे प्रॉपर बात कर सकते हैं। अगर आप इसका पूरा रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको इसका पूरा रिव्यू भी दिखा देंगे। उससे आगे आ जाती है हमारे पास टोयोटा की क्रॉस। तो ये आपको कार दिखा देते हैं।
ये टोयोटा की क्रॉस है, तो आपको ग्रे कलर में एक कार मिलेगी, ये हाइब्रिड कार है। तो ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं कार। तो इसका जो इंटीरियर है ये भी आपको जो मिलेगा वो मेरून कलर में मिलेगा, मेरून लेदर में इसका इंटीरियर है, और साथ आपको ब्लैक टच मिलेगा। तो हाइब्रिड कार है, उसके अलावा नीट एंड क्लीन है, इसके पूरे पेपर्स वगैरह हर चीज़ क्लियर है। बैक से आप देख सकते हैं, ये इसकी जो बैक प्रोफाइल है बड़ी खूबसूरत सी है। तो एक SUV है, क्रॉसओवर SUV है। अगर आप इसका भी पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उससे आगे आ जाती है जी हमारे पास रेंज रोवर डिस्कवरी, जो कि एक स्पोर्ट्स एडिशन है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार है। तो इंशाल्लाह इसका तो रिव्यू ज़रूर आएगा मेरे चैनल पर। तो आप देख सकते हैं रेंज रोवर डिस्कवरी, ये एक स्पोर्ट्स एडिशन है, तो ये बड़ी कॉम्पैक्ट सी रेंज रोवर की एक SUV है। इसकी जो आप प्रोफाइल देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो भी दिखा देते हैं। तो इसकी आप ये फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं, बड़ी स्पोर्टी सी कार है, ब्लैक कलर में इसकी लाइट्स वगैरह, इसकी ग्रिल। आपको इसका जो इंटीरियर है वो भी दिखा देते हैं। इसका जो इंटीरियर है वो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही अपग्रेडेड है। ये आप देख सकते हैं, आपको जो कीलेस एंट्री मिल जाती है इसका, आप देख सकते हैं इंटीरियर फुल ही लग्जरी है, फुल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसका भरा पड़ा इंटीरियर। तो ये कार बड़ी खूबसूरत है, एम्बियंट लाइट्स आपको मिल जाती हैं। आपको बैक से भी दिखा देते हैं। तो अगर आप इसका भी पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं, इसकी प्राइसेस वगैरह पता करना चाहते हैं, तो आप इंस्टा पे जाके सनशाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान वहाँ पे इनसे पता कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाती जी हमारे पास टोयोटा की क्राउन, जो कि अब बननी ही बंद होगी, असेंबल होनी बंद होगी, ये लास्ट शेप थी क्राउन की। तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर है, इसमें ब्लू भी टच आता है, ग्रे भी आपको इसमें शेड नज़र आएगा। तो इसमें जो आपको रिम्स मिलेंगे वो आपको इसमें क्रोम रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कार जो ज़मीन के साथ फुल लगी हुई है, बहुत ही डाउन है ये कार। तो आपको ये कार भी जल्दी से दिखाते हैं। तो ये RS इसका मॉडल है, इसमें आपको बॉडी किट्स वगैरह मिल जाएंगी, अलॉय रिम्स मिल जाएंगे जो क्रोम में, उसके अलावा सनरूफ मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, कार की जो साइड प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, इसमें आपको बॉडी किट्स मिल जाएंगी। उसके अलावा आपको कार की जो हैंडल बार्स हैं वो हाफ क्रोम और हाफ बॉडी कलर में मिल जाएंगे। इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। तो कार का जो इंटीरियर है ये आप देख सकते हैं, ये क्राउन है, तो आपको इसमें जो क्राउन के आपको लोगो वगैरह नजर आएंगे, आपको कार्बन फाइबर टाइप का टच मिल जाएगा। उसके अलावा फुल इसमें ब्लैक लेदर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी। बैक प्रोफाइल भी आपको दिखा देते हैं। तो इसकी जो बैक प्रोफाइल है ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें जिसके रैप वगैरह है वो नहीं उतारे हुए, कार बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, न्यू है। तो आपको जो कार की बैक प्रोफाइल भी एक दफ़ा दिखा देते हैं। तो कार की बैक प्रोफाइल में आपको एक जो ट्रंक स्पॉइलर मिल जाएगा, डक्टाइल स्पॉइलर मिल जाएगा, RS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बॉडी किट मिल जाएगी, उसके अलावा चार एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। अब अपनी जो नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कार है जी मर्सिडीज़ C250। तो आपको ये कार भी दिखा देते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को इंशाल्लाह ये बोरिंग नहीं होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो ये आप देख सकते हैं 250 का जो नंबर है ये भी 250 लगा हुआ है। तो बड़ी खूबसूरत सी कार है, फ्रंट पर बड़ी सी क्रोम की ग्रिल है, और आपको जो लाइट्स मिलती हैं, एक ये लाइट है, एक ये लाइट है, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। उसके अलावा पार्किंग सेंसर और अलॉय रिम, तो लॉन्ग व्हील बेस ये कार है, और ये ब्लू एफिशिएंसी इसका ये मॉडल है। साइड मिरर्स आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत से हैं, इसकी जो हैंडल बार्स हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। तो बॉडी कलर के आपको इसमें हैंडल बार्स मिलते हैं। अंदर से आपको कार दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो मर्सिडीज़ की एम्बियंट लाइट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हालांकि काफ़ी ओल्ड शेप है, इसमें फिर भी आप देख सकते हैं फुल लग्जरी कार है। इसकी आप सीट्स वगैरह देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इसकी सीट्स हैं। उसके अलावा ओवरऑल इसका इंटीरियर वाइट एंड ब्लैक कलर में है। तो अगर आप इसका भी पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टा का जो आपको इसका लिंक है वो भी मिल जाएगा इनका, वहाँ पे आप इसकी पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उससे आगे हमारे पास आ जाती है जी मर्सिडीज़, इसका भी हम मॉडल वगैरह देख लेते हैं। ये आई थिंक ये मर्सिडीज़ A250E है, ये आप देख सकते हैं। तो ये A250E है मर्सिडीज़ की, आपको इसका पूरा रिव्यू भी इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो इसकी आप बैक लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, ई-ट्रोन स्टाइल की इसकी जो बैक लाइट्स में लगती हैं। उसके अलावा स्टार इसके लॉरिम्स हैं, 5-spoke आपको इसमें लॉरिम्स मिल जाते हैं, ग्रे और सिल्वर कलर में। उसके अलावा हैंडल बार्स हैं जो हाफ क्रोम है और हाफ इसमें ब्लैक है। इसका इंटीरियर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है ये फुल ही लग्जरी इसका इंटीरियर है, क्योंकि ये काफ़ी नया मॉडल है। और इसके AC वेंट्स आप देख सकते हैं बड़े यूनिक से हैं, ये जिसके AC वेंट्स। उसके अलावा आपको ये टोटल इसमें LCD मिल जाएगी, किसी भी किस्म का इसमें मीटर वगैरह नहीं है। मल्टीमीडिया इसका स्टेयरिंग है, फुल इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें, A2Z हाइट कंट्रोल। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं। तो आइए अब आपको इसका जो फ्रंट है वो भी दिखा देते हैं, लंबर स्पोर्ट्स भी मिल जाती है, बैक प्रोफाइल भी दिखा देते हैं। तो ये है जी इसकी बैक प्रोफाइल, कार में आपको जो सनरूफ है वो पैनोरामिक मिल जाता है, जिसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ये आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं,
बड़ी अग्रेसिव है। आपको गैलेक्सी स्टाइल की इसमें ग्रिल मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सी। उसके अलावा AMG मॉडल है, तो आप इसके बम्पर वगैरह देख सकते हैं, आपको AMG स्टाइल में इसके बम्पर मिलेंगे। ये मर्सिडीज़ का लोगो। उसके अलावा पूरी की पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कार है जी, ये डिस्कवरी, रेंज ओवर की डिस्कवरी, सेम टू सेम वही चीज़ है, वाइट कलर में। तो आपको ये भी जल्दी से दिखा देते हैं, इसका जो इंटीरियर वगैरह। तो ये है जिसका इंटीरियर, रेंज ओवर डिस्कवरी, जैसे कि आपको पहले ब्लैक में दिखाई है, सेम टू सेम वैसे की वाइट में। तो इस पर भी ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। उससे आगे हमारे पास एक और लैंड क्रूज़र V8 आ जाती है, जो कि आपको मॉडल वगैरह भी बता देते हैं, ये ZX है या सिंपल है। तो ये मुझे कन्फ्यूजन है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, जो न्यू शेप है वो ओल्ड शेप थी, जैसे कि पीछे खड़ी है, ये न्यू शेप है। इसमें आप लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, ब्लैक कलर में बॉडी किट्स वगैरह लगी हैं, अलॉय रिम्स लगे हैं इसमें। उसके अलावा फुट स्टेप्स भी लगे हुए हैं, क्रोम नीचे डोर्स के, जैसे आपको काफ़ी क्रूज़र्स में नज़र आएगा। उसके अलावा इंटीरियर जो इसका, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्किन कलर का इंटीरियर मिलेगा। उसके अलावा ये जो मॉडल है, ये V8 है, पर ये ZX नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे मतलब कन्फ्यूजन थी ये ZX है या सिंपल है। तो इसका बेस वेरिएंट है लैंड क्रूज़र V8 का, इसमें ये है कि हाइट कंट्रोल वगैरह नहीं आती, वो ऐसे छोटे मोटे इसमें फंक्शन है वो जो नहीं है जो ZX से। उससे आगे हमारे पास है जी रेंज रोवर की, जो कि ऑटोबायोग्राफी, जो कि बहुत ही खूबसूरत SUV है। इसका कलर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत, इसकी फ्रंट की आप ग्रिल देख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये, सॉरी रेंज रोवर का, ये है जी इसकी लाइट्स, ये आपको DRLs मिल जाते हैं, मेन लाइट्स, नीचे इसका बम्पर वगैरह। तो इसमें आपको लॉरिंग्स वगैरह मिल जाते हैं बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन के। उसके अलावा कार में आप देख सकते हैं आपको टू टोन कलर मिलेगा, ऊपर से सारी की सारी कार ब्लैक है, यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा, जैसे कि आपको हमने क्राउन का कलर दिखाया था, ना ही इसका ग्रे है ना ही ब्लू है, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। तो ये आपको जल्दी से दिखा देते हैं 360 इसकी लुक, ये है जी इसकी 360 लुक। इसकी भी आप इन्फॉर्मेशन इंस्टा से ले सकते हैं, आपको ये कार अंदर से भी दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कार का जो इंटीरियर है, ये भी आप देख सकते हैं टोटल रेंज ओवर। तो इसका जो स्टेयरिंग वगैरह है, सनरूफ है, इलेक्ट्रिक सीट्स आपको इसमें मिल जाती हैं। तो बैक से भी आपको ये कार दिखा देते हैं। तो ये कार जो बैक से मुझे मतलब पर्सनली तौर पर जो V8 है उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उससे ज़्यादा लग्जरी है ये कार। नो डाउट कि इसकी जो प्रेजेंस है ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये कार जो बल्की सी लगती है, पर ये जो कार है ऑटोबायोग्राफी, ये P400E, ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है कार, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इसकी बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आपको एक दफ़ा इसका जो इंटीरियर है वो भी दिखा देते हैं दोबारा से। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर है, स्किन कलर का आपको इसमें इंटीरियर मिल जाता है। जो इसका स्टीयरिंग वगैरह है उसमें आपको बटन नहीं मिलते, टच सारे बटन मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टच सिस्टम है सारा। उसके अलावा आपको इंटीरियर स्किन कलर का मिलता है, लंबर स्पोर्ट मिल जाती है, और आप इंस्टा पे जाके इनसे और इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उससे आगे दोबारा हमारे पास एक V8 आ जाता है, जो कि ZX मॉडल है। तो आपको ये भी एक दफ़ा बस वैसे ही दिखा देते हैं, आपने देख ली, तीन चार आपने ZX मॉडल देख ली है। तो अब ये जी ZX मॉडल न्यू शेप है ये, जो कि अभी तो न्यू शेप चल रही है, उससे पहले की जो शेप है। उसके अलावा लॉरेंस वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कार है, ये हमारी जी BMW की i8 रोस्टर। तो आपको ये कार पहले भी पूरा इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये रोस्टर है, इसमें जो आप देख सकते हैं जो इसकी छत है, ये आपको कन्वर्टेबल मिलेगी। इसके जो बटरफ्लाई डोर्स हैं, अलॉय रिम्स हैं, उससे आगे ये बेंटले है, ये भी रिवील नहीं इन्होंने की कार। तो ये इंशाल्लाह आपको इसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा, आप इंस्टा पे जाके इनके अकाउंट पे भी देख सकते हैं। उससे आगे आ जाती है लेक्सस की LX570। तो ये ब्लैक कलर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम के पार्ट्स हैं और बम्पर किट इसमें, सॉरी बॉडी किट्स वगैरह लगी हुई हैं। लॉ रिम्स आप देख सकते हैं, ये फुट स्टेप्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा हैंडल बार्स आप देख सकते हैं, क्रोम प्लस बॉडी कलर, और पूरे का पूरा इंटीरियर इसमें आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। ब्लैक थीम है, पर कार में बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरती है। इसकी जो लुक है वगैरह आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग वगैरह, इसकी जो रूफ है आपको इसमें सनरूफ मिल जाएगा, और फुल ब्रांड न्यू कार है ये। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, बैक से भी आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो ये जी इसका बैक का इंटीरियर, आपको यहाँ पे भी LCD वगैरह मिल जाती है, बैक पे भी आपको मिल जाती हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हीटेड सीट्स के ऑप्शन, उसके अलावा जो टेम्परेचर वगैरह आप मेनटेन कर सकते हैं ओवरऑल। उसके अलावा स्पीकर वगैरह आप देख सकते हैं, ये आपको प्राइवेसी ग्लास मिल जाते हैं इसमें। तो काफ़ी अपग्रेडेड कार है। तो बैक से भी आपको दिखाते हैं LX570। उसके लास्ट जो हमारी कार है, ये जी ग्रैंड कॉर्निवाल किया की, जो कि ओल्ड शेप है।
तो ये आपको दिखाते हैं, ये एक बेस्ट फैमिली कार है, ये यूज़ में खड़ी है इस्लामाबाद का, इसमें नंबर लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो डोर्स वगैरह ये ऐसे ओपन होते हैं, एक क्लिक करने से जो इसका डोर है ये ओपन हो जाता है। अभी ये कार लॉक है, तो आपको इसका भी पूरा रिव्यू मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी कार को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप सनशाइन ट्रेडिंग पाकिस्तान के जो इंस्टा के अकाउंट पर जाके इन्हें फॉलो करें, वहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन पूरी ले सकते हैं एक एक कार की। और जो आप कोई कार इंपोर्ट करना चाहते हैं, हर किस्म की आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।